ये बन गए हैं मेरे लुशके। ये देखिए, इनको ऐसे बनाते हैं, एक साइड से बनाते हैं, बस स्टीम से पकते हैं ढक्कन से। और ये हो गए हैं मेरे लुशके तैयार। और यहाँ हो गई है मेरी खीर तैयार। खीर नहीं लगी होगी आपको, रुको एक मिनट। ये देखिए खीर हो गई है तैयार। खीर लुशके तैयार हैं, हमारे बनाते हैं त्यौहार में, जैसे आज त्यौहार ही होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल की बहुत 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 बधाई। तो सॉरी, गाड़ियों का शोर हो गया था बीच में। आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ हों नए साल की, और आप सभी के घरों में खुशियों की किरणें भगवान अच्छे से बिखोरते रहें। सूर्य देवता के जी का दर्शन करवाती हूँ और मंदिर जाके भी आपके दर्शन करवाती हूँ। और मैं घर में सारा काम कुम करके आ गई हूँ, जो जो मैंने आपको भी दिखाया। अब मैं दुकान पहुँच गई हूँ और अब मैं दुकान का काम शुरू करूँगी। पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, अपने दुकान के पास जो मंदिर है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ जाके आती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। इन लोगों ने लगा दिया रश। एक चश्मा बेचने वाला आया हुआ, उसको इन्होंने डॉक्टरी बना दिया है। ये आईज टेस्ट करके चश्मा बेच रहा है। होम डिलीवरी डॉक्टर घर पे डिलीवरी देगा, चश्मे बना बने बनाए, आईज टेस्ट करना। काम तो कुछ है नहीं मार्केट में, चलो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो ये लोग ले रहे हैं पूरा आनंद चश्मा खरीदने का। और बंदर जी भी देख रहे हैं, अभी मैं भी एक चश्मा ले लूं। अभी सबको चश्मा लगा लगा के दिखाएंगे। ये अंकल पूरे वो आनंद ले रहे हैं। देखते ही देखते इनके पास खूब रश हो गया। देखिए और दो तीन बंदे आ रहे हैं, और प्रेस जो जितने भी इधर उधर से आ रहे हैं सब आ रहे हैं इधर को। देखिए हमारे रोड साइड कितना गंद डला है। यहाँ पे किसी ने अपनी दुकान खाली की और गंद डाल गए और चले गए। कितनी बदतमीजी की बात है। मोदी जी लगे हैं सफाई अभियान में और यहाँ की जनता लगी है गंद डालने। ये देखिए क्या गंद डाला है। आज ये देखिए बस के लिए खड़े हैं और हड़ताल चली है, और बस में कोई भी इनको कम से कम ये 3 घंटे से खड़े हैं लोग, और इन लोगों को कोई बस नहीं। ये आई है बस, लेकिन ये पॉइंट पे रुकी नहीं क्योंकि फुल थी। सवारियाँ फिर बेचारी बस को दिए वेट करती करती रह गई। सुबह से लेके कोई बस नहीं रुक रही है यहाँ पे, क्योंकि बसों की स्ट्राइक है और जगनी चुनी बसें चल भी रही है। वो सवारियाँ दिखा रही है कि वो क्यों पीछे से ओवरलोड होकर आ रही है, तो वो भी कितनी सवारी लेके जाएंगे। तो फिर बेचारी सवारियाँ सुबह से, किसी ने घर जाना, किसी ने गांव जाना, किसी ने कहीं जाना है, रिश्तेदारी भी जाना है, तो आ जाएं बिना बस के खड़े हैं तब से लेके। तो बसों की स्ट्राइक से कितना फ़र्क पड़ता है पब्लिक के ऊपर। तो ये स्ट्राइक जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। वैसे तो आम जनता परेशान हो जाती है क्योंकि इससे, और जो भी रूल बनाया है वो उसको सरकार खारिज करे, और गलत रूल है वो ना हो ऐसा। मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि कूड़ा देखो कितना गंदा डाल कूड़ा डाला है। तो हम लोगों ने प्रधान को कंप्लेंट की, फ़ोन किया और उससे बात की, और फिर उसने अभी अभी गाड़ी भेज दी है, और अब ये कूड़ा हम उठवा देंगे यहाँ से।
चलो वो तो फेंक के गया है, पर हम लोगों को तो उठाना पड़ेगा हमारी दुकान के सामने, अच्छा नहीं लग रहा है। और गलत बात है किसी की दुकान के आगे कूड़ा डालना, तो गलत बात है। तो देखिए अब गाड़ी आई है, ये कूड़ा भी उठा देंगे। तो ऐसा होता है कि भाई करता कोई है भरता कोई है, तो क्या करना। अब वो तो कर गए हैं, वो तो फेंक गए हैं यहाँ पे कूड़ा, पर हम लोगों को तो उठवाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मार्केट है, हमारे मार्केट के आगे गंद पड़ा होगा तो हमें भी नहीं अच्छा लगता ना। तो इस वजह से हम लोगों ने कंप्लेंट की और उसने ये कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी भेज दी है। अभी इसको गाड़ी में भरेंगे और जहाँ कूड़ा फेंकते हैं जलाते हैं जहाँ पे वहाँ पे फेंक के आएंगे। तो अभी दिखाती हूँ आपको कूड़ा उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने कंप्लेंट की थी मार्केट वालों ने कि ये कूड़ा उठवा दिया जाए, तो उठ गया है आज और गाड़ी आ चुकी है कूड़े वाली, और ये अब कूड़ा ले जाके जहाँ कूड़ा जलाते हैं वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ सारा कूड़ा फेंक देंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बारिश होगी तो बारिश के साथ ही सारा कूड़ा नालियों में फंस जाएगा, और नाली बनाने का फ़ायदा क्या है, फिर तो पूरा पानी सड़क में आएगा। तो उससे अच्छा हमने इसको उठवा दिया है और यहाँ से सफाई करवा दी है। मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी की शॉप पे और 6:30-7:15 हो चुके हैं और अभी भी ये काम में लगे हैं और खा रहे हैं साथ में जलेबी। मैं आई तो इन्होंने जलेबी ले रखी थी गर्मा गर्म और चुपके चुपके खा रहे थे, मेरे लिए नहीं रखी, खा ली सारी है। मेरे लिए क्यों रखी जलेबी, तो दिन में चाय कली कली पी ना दो बार, कब भी मैंने चाय दो बार, मैंने पिलाई नहीं आपको, मैंने आपको भी तो पिलाई। तुमने कहा पिलाई, खा लीजिए आप भी जलेबी गर्मा गर्म जलेबी। ये देखिए इसमें से भी हस्बैंड जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो खा लीजिए जलेबी, ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। तो मैं आ गई जैकेट पहन के जाने की तैयारी में, और अब निकले हैं हम घर को। आजकल ऋषि की छुट्टियां हैं ट्यूशन की भी, लेकिन बर्फ नहीं पड़ी यहाँ पे भगवान जी, इस बार भी मुझे लगता है शिमला में बर्फ नहीं डालेंगे। चलो देखते हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और साल की शुरुआत है तो हमने की है जलेबी के साथ, आप भी मीठे के साथ कीजिए और सबकी ज़िंदगी में मिठास फैलाइए, अपनी ज़िंदगी में भी औरों की ज़िंदगी में भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।